नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर कंपिटेटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में जीरो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो ज़रूरी है और हम लोगों के लिए जो ज़रूरी है, हम लोग केवल उसी बेसिक पॉइंट को सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल बेसिक पॉइंट को सीखेंगे जो आप बचपन से सीखते आए हैं, कहीं ना कहीं गलती करते हैं। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट भी होंगे जो अभी तक आप नहीं भी सीखे होंगे, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। शॉर्ट ट्रिक कैसे बनता है इसमें और इसका यूज परसेंटेज में, एसआई में, सीआई में, लगभग कह सकते हैं संपूर्ण मैथमेटिक्स में आपको रेशियो का यूज मिलता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। प्रत्येक दिन की भांति बोलेंगे, नए साथी हैं, नए मेहमान हैं, तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके साथ जो करना है कीजिए, बस कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर रेशियो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है। बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन पूरा देखना है आपको। देखिए, रेशियो में होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक सजातीय राशि, जब दो या दो से अधिक सजातीय राशि की तुलना करना हो, तो वहाँ पर ये पता चलता है कि कौन संख्या या कौन वैल्यू या कौन राशि, कौन सी संख्या से, कौन सी वैल्यू से, कौन सी राशि से कितना गुना है या कितना गुनी है। फिर से समझिए इसे कि ए अनुपात बी है, तो अनुपात को इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। अगर हम कहेंगे कि मेरे पास दो रुपया है और आपके पास जो है दस रुपया है, तो दोनों रुपया ही है, तो इसे हम क्या करेंगे, इस अनुपात से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर जो है, मैं गरीब हूँ तो मेरे पास दो रुपया है, आप अमीर हैं तो आपके पास दस रुपया है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि आपके पास जो रुपया है वह मेरे से पाँच गुना है। क्या कितना गुना है, पाँच गुना है। तो पता चला है कि अगर मेरे पास एक रुपया है तो आपके पास पाँच रुपया है। तो गुना के रूप में पता चलता है या गुनी के रूप में पता चलता है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। ठीक, अब समझ लेते हैं समानुपात को। समानुपात में क्या होता है, जब सजातीय राशियों में पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी राशि और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो जाए। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ए और बी दो अनुपात तो है ही, अब यहाँ पर एक और अनुपात ले लेते हैं जिसमें तीसरी और चौथी का अनुपात है। तो जब हम आपको क्या बताएं कि पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात यदि तीसरी राशि और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो जाए, तो बराबर को इस तरह से हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर समानुपात को अगर डिनोट करना हो तो इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। इसका मतलब हुआ एक अनुपात जो है दूसरी अनुपात के बराबर है, समान अनुपात में है। अगर हम यहाँ पर जो है एक अनुपात दो ले ले और यहाँ पर तीन अनुपात चार ले ले, तो इस तरह से हम लोग इसे डिनोट करेंगे। अब इसका वैल्यू क्या होता है, कैसे या क्या है, इसको हम आगे समझते हैं विस्तार से। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा लेकिन आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप भी कहेंगे कि क्या कहाँ कहाँ पढ़े हैं और जो पॉइंट आज तक हमने नहीं सीखा है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे वो भी आज आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं केस में, पहला केस ए। इसमें आपसे पूछा जा सकता है जब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो, या फिर आपको ऐसा भी कहा जा सकता है यदि चार सजातीय राशि ए बी सी और डी विविधता अनुपात में है, कहने का मतलब कंटिन्यू रेशियो में है, तो उसी उसको भी आप इसी तरह से लिखेंगे। तो वो भी हम आपको आगे प्रश्न में बता ही देंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, जब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो, तो इसका जो वैल्यू जो होता है, ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बटा बी, समानुपात है तो मतलब हो गया बराबर, सी अनुपात डी का मतलब हो गया सी बटा डी। ठीक ना,
इतना तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए अनुपात बी है तो ए बटा बी समानुपात है तो इक्वल टू, सी अनुपात डी है तो सी बटा डी, इतना कर सकते हैं। अब एक स्टेप और यहाँ पर हम बढ़ेंगे, अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तब क्या होगा, तब कहेंगे कि ए गुने डी हो जाएगा इस तरह से, और ये बराबर किसके हो जाएगा, बराबर है तो बराबर देंगे, बी गुने सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि पहली संख्या गुना चौथी संख्या, डी चौथी संख्या है, पहली संख्या गुना चौथी संख्या बराबर दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या। इसे और भी आसान भाषा में समझ लेते हैं कि पहली संख्या को अंतिम संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, और ये जो बीच वाली संख्या है यानी कि मिडल वाली संख्या, मिडल वाली संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, दोनों को बराबर कर दिया है। कहने का मतलब ए गुने डी बराबर बी गुने सी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, आप सभी समझदार हैं, ये सब तो समझ चुके होंगे। अब दोस्तों यहां पर जो केस नंबर ए में बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि पहली संख्या निकालिए, आपसे पूछा जा सकता है दूसरी संख्या निकालिए, या फिर तीसरी या चौथी संख्या निकालिए। जैसे कि आपको हम बताते हैं, एक दो आठ और एक्स चार संख्याएं विधता अनुपात में, किस में है, विधता अनुपाति में है, तो पूछा गया है कि x का वैल्यू क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, सीधा इस दोनों में अनुपात लगाएंगे, इस दोनों में अनुपात लगाएंगे और यहां पर समानुपात लगाएंगे। ठीक, अब यहां पर देखेंगे कि मिडल वाले को मिडल से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा दो गुने आठ, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सोलह। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, पहली संख्या नहीं, यहां पर तो पहली दिया गया है, दूसरी भी दिया गया है, तीसरी भी दिया गया है, चौथी संख्या निकालिए। उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि यदि पहली संख्या x हो, दूसरी b हो, तीसरी c हो, चौथी d हो और ये विधता अनुपात में है, तो x का वैल्यू निकालिए, यानी कि पहली संख्या निकालिए या दूसरी निकालिए या तीसरी निकालिए। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जब भी आपको पहली संख्या मांगे तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए और कलम होनी चाहिए, नोट जरूर कीजिएगा और इसको 10 बार अपने से प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके दिल और दिमाग में इस तरह से बैठ जाए कि निकलने का नाम न ले। तो पहली संख्या अगर पूछ दे तो क्या करेंगे आप, पहली संख्या तो आपका ये है, बी को दूसरे साइड भेज देंगे, या पहली संख्या आपका ये है, इस डी को दूसरे साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा में हो जाएगा डी, बी सी बट्टा में हो जाएगा डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बी सी बट्टा में हो जाएगा डी। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अब आप दूसरी संख्या निकाल दो, तब कैसे निकालेंगे आप, तब कहेंगे कि दूसरी संख्या तो मेरा ये है, कहने का मतलब मेरा दूसरी संख्या ये है, या कहने का मतलब मेरा दूसरी संख्या ये है, तो सी को हम इस साइड भेज देंगे, तो कहने का मतलब हो जाएगा ए गुने डी पहली संख्या गुना चौथी संख्या बट्टा में क्या हो जाएगा तीसरी संख्या यानी कि सी। अगर आपको इतना नहीं करना है, यहीं से डायरेक्ट ये निकालना है, तो आपसे पूछा गया है दूसरी संख्या यानी कि बी मांगा गया है, तो बी का वैल्यू ये हुआ, तो लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी के साथ तो सी आएगा, सी को दूसरे साइड भेजेंगे तो बी के साथ सी गुना में होगा, दूसरे साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इस तरह से आप बी का वैल्यू निकाल लीजिए, ए का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है, अगर आपसे पूछ दे कि भाई हमको तीसरी संख्या चाहिए, तब कैसे निकालेंगे, सबका मन तो अलग अलग है, ऐसा तो नहीं है कि ए पूछेगा बी पूछेगा तीसरा नहीं पूछेगा सी, वो भी पूछ सकता है, तो आप कहेंगे सी जो है ये है, जब सी निकालना हो तो ए गुने डी बाय में हो जाएगा बी, ए गुने डी बाय में हो जाएगा बी, या आप यहां से निकालेंगे तो ए गुने डी बी सी तो एक साथ गुना होगा, तो बी को दूसरे साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये तीन पॉइंट यहां से बन गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं केस टू में, केस टू का मतलब हो गया कि केस नंबर बी में किस तरह से बनते हैं प्रश्न, उसे हम लोग समझते हैं। यदि आप नोट कीजिएगा, यदि
ए अनुपात बी अनु समानुपात बी अनुपात सी हो, या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है ए बी और सी का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, तब आपको ये कंडीशन लगता है। ए बी और सी का मध्य अनुपात निकालिए, तब आप क्या करेंगे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, क्योंकि मध्य वाला अनुपात निकालना है, आपको दिया गया है ए बी और सी। मध्य अनुपात क्या होता है, बी होता है, तो इसका मतलब आप करेंगे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो उस कंडीशन में आपको मध्य अनुपात में यही लिखना है, लेकिन हम यहां पर आपको लिख दिए हैं तो यहां पर क्या क्या कंडीशन बनेगा उसे समझते हैं। पहला कंडीशन क्या बनेगा, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपाती क्या होगा, तो प्रथम समानुपाती आपका ए है, तब क्या करेंगे इस कंडीशन में ए निकालना हो तो ए के साथ तो लास्ट वाला मल्टीप्लाई होगा और ये बीच वाला मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे से, तो बी गुने बी यानी कि बी का स्क्वायर बट्टा ए हमको निकालना है प्रथम समानुपाती, मतलब कि ए हमको निकालना है तो सी से क्या करेंगे भाग देंगे, क्योंकि ए और सी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो सी को दूसरे साइड भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है सेकेंड प्रोपोर्शन यानी कि द्वितीय, या फिर कह सकते हैं अच्छा इसी तरह से लिख देते हैं द्वितीय समानुपाती, तब क्या करेंगे आप द्वितीय समानुपाती को आप कह सकते हैं मध्यम समानुपाती भी पूछा जा सकता है, या मध्यानुपाती भी कहा जा सकता है, तो इसी को आप लिख लीजिए क्वेश्चन में मध्यानुपात निकाले या मध्यानुपाती क्या होगा, तब आप कहेंगे कि मध्य वाला तो बी है तो यहाँ पर तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर इक्वल टू ए गुने सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो मध्य अनुपाती तो केवल बी है, यहाँ पर आ रहा है बी स्क्वायर, तो हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या बी चाहिए, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा, तो बी का वैल्यू चाहिए तो इसका रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ए सी, तो बी का वैल्यू निकालना है क्योंकि मध्य अनुपात या द्वितीय अनुपात निकालना है, स्क्वायर को हटाना होगा तो इस स्क्वायर को दूसरे साइड भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा वर्गमूल में आ जाएगा। अब यहीं पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई तृतीय अनुपात क्या होगा, तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं तृतीय अनुपात क्या होगा, आप नोट करते चलिएगा, हम लोग इसमें बहुत सारे पॉइंट को आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है तीसरा तृतीय अनुपात या फिर थर्ड थर्ड प्रोपोर्शन या अनुपाती, तृतीय अनुपाती अब आप देखिए कि वो आपका क्या है सी है, ऐसा नहीं कि ये तीन नंबर पे है तो इसको ले लेंगे, नहीं, यहाँ पर तृतीय अनुपात आपका सी है, तो सी को निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा सी और ए मल्टीप्लाई होगा तो बीच में बच जाएगा बी स्क्वायर, जब भी सी और ए मल्टीप्लीकेशन में है आप सी निकाल रहे हैं तो एक दूसरे साइड भेजिएगा तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ए भाग में हो जाएगा। तो ये आपसे तीन पॉइंट यहाँ पर पूछा जा सकता है, पहला केस में हमने तीन पॉइंट जाना, दूसरा केस में भी हम लोग तीन पॉइंट जाने, अब जो है हम लोग चलते हैं केस नंबर थर्ड, कहने का मतलब सी में, अब इसमें देखते हैं कितने पॉइंट बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो यहाँ पर आपसे पहला पॉइंट में पूछा जा सकता है कि वर्गा अनुपात क्या होगा, ये अनुपात में दिया हुआ है तो इसका वर्गा अनुपात क्या होगा, वर्गा आप इसे नोट करने करते चलेगा वर्गा अनुपात, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी को क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे और पूछा जा सकता है वर्गा अनुपात ये हुआ तो आपसे पूछा जा सकता है वर्ग मूला अनुपात क्या होगा, तो ये है वर्ग मतलब स्क्वायर, अब पूछा जा सकता है आपसे वर्ग मूला
वर्गमूल अनुपात। कहने का मतलब इसका वर्गमूल अनुपात क्या होगा। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, रूट ए अनुपात, रूट बी अनुपात, रूट सी लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक पॉइंट और बन सकता है, क्या बनेगा, घना अनुपात क्या होगा। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो इसका घना अनुपात क्या होगा, घनानुपात। घनानुपात में हम लोग क्या करेंगे, इसका घन करेंगे। कहने का मतलब ए का क्यू अनुपात बी का क्यू अनुपात सी का क्यू। अब यहाँ पर एक और पूछा जा सकता है आपसे पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, वो पूछा जा सकता है घनमूला अनुपात क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर वर्गा अनुपात वर्गमूला था, उसके बाद यहाँ पर घना अनुपात और पूछा जा सकता है घनमूला अनुपात। घनमूला अनुपात का मतलब हो गया ए का पावर 1/3, कहने का मतलब ए का घन अनुपात बी का घन अनुपात सी का घन, कुछ इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, शायद दिखाई दे रही होगी नीचे में। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, आप इसे नोट कर लीजिए। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो इसका वर्गा अनुपात ये होगा, स्क्वायर कर दीजिए। वर्गमूल अनुपात में क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। घन अनुपात में क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। और घनमूला में क्या करेंगे, 1/3, कहने का मतलब रूट घनमूल ले लेंगे, 1/3 ले लेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी बेसिक पॉइंट है आज हम लोग केवल इसको डिस्कस करेंगे, और इस पर आधारित जो प्रश्न बनता है, जो पूछा जाता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कुछ सीख लेते हैं, आप सभी नोट जरूर करते चलिएगा। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट या फिर कह सकते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक ना, आप इस तरह से नोट करते चलिए। अगर हम आपसे ये कहें कि भाई एक्स बटे वाई का वैल्यू 4/5 है, ध्यान से समझिएगा इसको, इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो आपको समझनी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं x बटे y का जो वैल्यू है वो 4/5 है, आपको बताना है कि x अनुपात y क्या होगा। तो अब आप कहेंगे यहाँ तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, x का वैल्यू 4 हो जाएगा, y का वैल्यू 5 हो जाएगा। कहने का मतलब x अनुपात y 4/5 हो जाएगा। यहाँ तो आपका सिंपल था। दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है इसी को, एक्स बटे 4 इक्वल टू वाई बटे 5 है, तब जो है आप एक्स अनुपात वाई को बताइए क्या होगा। सभी पॉइंट को सीखेंगे, ठीक ना, एक्स बटे 4 बराबर वाई बटे 5 हो तो एक्स अनुपात वाई क्या होगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक्स का बट्टा में है बराबर वाई का बट्टा में है, तो ये हो जाएगा 4 एक्स का अनुपात, और वाई हो के बट्टा में जो है 5, ये हो जाएगा वाई का अनुपात। कहने का मतलब 4/5, 4 के बट्टा में है तो क्या हो जाएगा, 4 का अनुपात सॉरी एक्स का अनुपात, और ये 5 जो है वाई का बट्टा में है तो ये क्या हो जाएगा, वाई का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, 4/5। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये बन सकता है, एक्स बट्टा 1 बराबर वाई बट्टा 2 बराबर जेड बट्टा 3 है, आपको बताना भाई एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का वैल्यू क्या होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो मज़ेदार मज़ेदार था दो तक, अब तीसरा में बताइए एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का वैल्यू क्या होगा, जब एक्स बट्टा 1 बराबर वाई बट्टा 2 बराबर जेड बट्टा 3 हो। इस कंडीशन में भी वही करेंगे, एक्स के जो बट्टा में है ना वो x का अनुपात हो जाएगा, y के जो बट्टा में है ये y का अनुपात हो जाएगा, और ये z का अनुपात 1/2/3 हो जाएगा। इसे भी आप भली भांति समझ गए होंगे। अब इसी पर देखिए कुछ और पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, x बराबर y बट्टा 3 बराबर
जेड बटा पाँच है। अब आपको बताना है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड क्या होगा। देखिए सभी पॉइंट को हम अलग अलग लेकर के चल रहे हैं जिससे कि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। यहाँ पर था x बट्टा एक बराबर वाई बट्टा दो बराबर जेड बट्टा तीन, तब एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बट्टा में नहीं है कुछ दिया हुआ तब भी एक छुपा हुआ है, नहीं है दिया हुआ तब भी एक छुपा हुआ है, इसलिए x का बट्टा में क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, तो x का अनुपात एक हो जाएगा। y का बट्टा तीन है तो y का वैल्यू तीन, z का बट्टा पाँच है तो यहाँ पर हो जाएगा पाँच। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है ही क्या समझने वाली बात, थोड़ा सा आपको कॉन्शस रहना है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ x इक्वल टू वन बाय थ्री वाई तो x अनुपात y का वैल्यू बताइए क्या होगा। x इक्वल टू वन बाय थ्री वाई तो x का वैल्यू, x अनुपात y का वैल्यू क्या होगा। तब आप ये कहेंगे इसे हम लिख सकते हैं x का बट्टा एक बराबर y को ऊपर ले आएंगे तो y बट्टा तीन हो जाएगा, तो x का वैल्यू एक y का वैल्यू तीन, आप कहेंगे एक अनुपात तीन हो जाएगा। यहाँ तक भी समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, कहीं मिट ना जाए आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक ना। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, और भी मज़ेदार पॉइंट है, चलिए ऊपर से हम मिटाते हैं। देखिए आगे जो आपका छठा पॉइंट है और भी मज़ेदार है, आपसे पूछा जा रहा है यदि 4x इक्वल टू 5y हो, क्या हो 4x इक्वल टू 5y हो, तब आपसे पूछा गया है कि भाई x अनुपात y क्या होगा। अब यहाँ पर तो लफड़ा है, इससे पहले हम लोग सीखे थे यदि x बट्टे चार हो बराबर y बट्टे पाँच हो तब जो है x अनुपात y क्या होगा, ये सीखा था। लेकिन अभी सीख रहे हैं ये जो है भागा में नहीं होकर के भाई गुना में है, क्या है भागा में नहीं होकर के गुना में है, और यहाँ भी भागा में नहीं होकर के यहाँ पर गुना में है, तब बताइए एक्स अनुपात वाई क्या होगा। भाई यहाँ पर अलग अलग था तो जो सामने था उसको पकड़ लिए, यहाँ पर क्या है सटल है, कह सकते हैं चिपकल है, अगर जो चिपकल रहेगा ना तो उसको छोड़ेंगे बाहर वाला को पकड़ेंगे, ऐसा याद रखिए। अगर ये चार एक्स के साथ चिपका हुआ है तो चार को छोड़ देंगे, एक्स को ढकना है, सामने में कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, कहेंगे आप पाँच दिखाई दे रहा है, तो एक्स का अनुपात क्या हो जाएगा पाँच। और जब वाई का अनुपातिक राशि निकालना हो तो वाई को ढकेंगे, क्या दिखाई दे रहा है चार, इसका मतलब ये हो जाएगा वाई का वैल्यू चार। नहीं यकीन हो रहा है ना तो आप ऐसा कीजिए चार बट्टा इस पाँच को इस साइड ले आइए, ये है ऊपर में y, इस साइड गुना में है x, दूसरे साइड ले आइए क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू पाँच y का वैल्यू चार, तो y का वैल्यू चार और x का वैल्यू पाँच आ चुका है ना, तो ये हो जाएगा ढकने वाला रूल, आप इसे याद रख लीजिए इस तरह से। ये क्या लगेगा यहाँ पर ढकने वाला रूल, कब लगेगा जब ये मल्टीप्लीकेशन में हो। अब इस पर और भी आधारित प्रश्न को समझते हैं ना, घबरा क्यों रहे हैं, मज़ा आ जाएगा मज़ा आ जाएगा, बने तो रहिए। आगे हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई 3x इक्वल टू 4y इक्वल टू 5z है, अब आप बताइए हमको x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर तो दो था लेकिन अब यहाँ पर तीन है तब क्या करेंगे, तो और भी आसान है। देखिए हम आपको क्या बोले, जो चिपकल है ना उसको छोड़ करके बाद बाकी को पकड़ना है, तो देखिए तीन तो चिपकल है x के साथ तो तीन को छोड़ देंगे, यानी कि x के साथ जो चिपका हुआ रहेगा उसको ढकेंगे, बाद बाकी जो अंक दिखाई दे रहा है ना चार और पाँच इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा x का वैल्यू, किसका वैल्यू निकलेगा जिसको हम ढके हैं उसका वैल्यू निकलेगा। तो देखिए x का वैल्यू चाहिए हमको, x को ढकेंगे चार गुने पाँच कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 20 हो जाएगा, अनुपात लगाएंगे। अब चाहिए y, तो अब हम क्या करेंगे y वाला को ढकेंगे, अब पाँच दिखाई दे रहा है तीन दिखाई दे रहा है, पाँच तीन कितने हो जाएंगे 15,
अनुपात। अब चाहिए हमको जेड, बताइए जेड के साथ पाँच चिपका हुआ, अब इसको ढक लेंगे तो चार तीये कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा, तो बताइए बारह लिख दिए। अब यहाँ पर कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए ऐसे ही। समझ गए होंगे इसको, एक्स का अनुपात चाहिए तो एक्स को ढकेंगे, चार गुने पाँच बीस हो जाएगा। वाई चाहिए वाई वाला को ढक लेंगे तो पाँच गुने तीन पंद्रह। जेड चाहिए तो जेड वाला को ढक लेंगे, तीन गुने चार बारह। ये कब कब जो है ढकेंगे, जब ये चिपका हुआ रहेगा चार वाई के साथ, तीन एक्स के साथ, पाँच जेड के साथ, इस तरह का प्रश्न रहेगा तभी। अब ऐसा नहीं है भाई कि भाग वाला में भी क्या कर देना है, एक्स का वैल्यू निकालना है तो पाँच या पंद्रह कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसे में क्या करेंगे, सीधा जो एक्स का बट्टा में है ना वहीं इसका अनुपात होता है। आपको क्या करना है, इसे 10 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना है। यकीन मानिए जब बेसिक पॉइंट को 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इस टाइप का जो प्रश्न आएगा ना जो डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे छक्का छूट जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं इस पॉइंट को। आगे है आपका सातवां के बाद आठवां पॉइंट। आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, सभी टाइप के प्रश्न को यहाँ पर हम देखेंगे। आपसे अगर हम पूछे 2x इक्वल टू वाई इक्वल टू थ्री जेड है, इस कंडीशन में बताइए x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। देखिए सेम वाला है, सेम प्रश्न है। अब यहाँ पर x का अनुपातिक राशि चाहिए तो x को ढकेंगे, यहाँ पर नहीं है कुछ तो वन गुने वाई है, आपको तो पता ही है नहीं रहता है कुछ तो हवा रहता है, लेकिन मैथ में हवा नहीं वन रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वन गुने वाई। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू निकालना है तो एक गुने तीन कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अब y चाहिए हमको तो y को ढकेंगे, तीन दुने कितने हो जाएगा, छः। अब यहाँ पर देखिए z का वैल्यू चाहिए तो z को ढकेंगे, वन इंटू टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए नवा पॉइंट, नवा पॉइंट में आपसे पूछा जा सकता है कुछ इस तरह से। चलिए पहले वाले को रिपीट कर लेते हैं, 4x इक्वल टू सेवन वाई है, आपको बताना है x अनुपात y क्या होगा। फटाफट से बताइए x अनुपात क्या होगा, इसका यूज अभी हम कर ही रहे हैं। तो देखिए x का अनुपात चाहिए तो x वाला को ढकेंगे, दिखाई के दे क्या दे रहा है, सात अनुपात लगाएंगे। y वाला चाहिए अनुपात यहाँ पर तो y को ढकेंगे, क्या दिखाई दे रहा है, चार दिखाई दे रहा है, यही हो जाएगा। आगे आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, 2x by 3 इक्वल टू ले लेते हैं y by 5 इक्वल टू ले लेते हैं z by 7। अब बताइए x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है अब ये, इसमें थोड़ा सा जो है चेंजिंग किया गया है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। क्या किया गया है चेंजिंग, यहाँ पर x के साथ जो है ना दो को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब बताइए इससे पहले जो सीखे थे या तो ऊपर में संख्या था या तो नीचे में था, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह है। इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, या तो ऊपर में ही संख्या रहे या तो नीचे में ही संख्या रहे, कुछ ऐसा कमाल करना पड़ेगा कि ये मेरा हो जाए। तो चलिए हमको आसान क्या लगेगा, अगर यहाँ से संख्या हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो तीन जगह से हटाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर दें कमाल कि यहाँ से संख्या हटा दे तो यहाँ से नहीं हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी नहीं हटाना पड़ेगा, समझ गए बात को ना। तो यहाँ पर हम हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे में जो है सभी में दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी दो से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी दो से मल्टीप्लाई, और सेवन के साथ भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये दो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तो कैंसिल होने वाला है नहीं, तो जो भी गुना में बढ़ेगा वो तो नीचे में ही ना बढ़ेगा, ऊपर तो नहीं बढ़ेगा, तो एक साथ सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं x बट्टे थ्री, स्टेप बाय स्टेप समझिए, इसको समझ गए ना तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। z बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पर, चौदह हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बताइए कि भाई x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू क्या होगा।
तो आप कहेंगे x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 10 और z का वैल्यू 14। तो 3:10:14। अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है क्या कहेंगे, तो छोड़ दीजिए। चलिए इसे हम मिटाते हैं। अब कुछ एक दो पॉइंट और है जिसको हम लोग सीखेंगे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन सब का यूज हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक ना। आगे की वीडियो में इसका यूज हम लोग डायरेक्ट करेंगे, जो हमारे लिए ज़रूरी है हम केवल उस पॉइंट को पढ़ेंगे। वीडियो आने में लेट हो जाती है, यहाँ पर नेटवर्क समस्या होती है, कभी लाइट चली जाती है तो बैठ करके इंतज़ार करना पड़ता है, जब लाइट आती है तब आपके लिए वीडियो बनता है, बहुत समय लग जाता है। तो इसके लिए घबराइए नहीं, कल वीडियो नहीं आया था, इसका वजह ये है, यही है कि लाइट का इंतज़ार करते करते क्या बताएं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और उतने रात को वीडियो अपलोड करते तो कौन देखता, तो ये सब परेशानी हो जाती है। तो अब कोशिश करेंगे जब सब कोई सो जाए पड़ोसी अगल बगल में, तभी जो है 2 बजे रात से रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, 4 बजे सुबह तक में हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, या नहीं तो 12 बजे रात से लेकर के 2 बजे रात तक रिकॉर्ड कर लेंगे, ऐसा हो सकता है, तब जो है ये समस्या नहीं आएगी, तब आपको जो है टाइम पर मिलेगा। कोशिश करेंगे यही रूटीन अपनाएं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे है आपका एक्स बाय फाइव इक्वल टू 3/2 इंटू वाई इक्वल टू जेड है। अब यहाँ पर x अनुपात y अनुपात z निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ऊपर में था 2 तो सबको हटाने के लिए नीचे में क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, या तो सब कोई ऊपर चले आओ या तो सब कोई नीचे आ जाओ, ऐसा ही कमाल किए ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर नीचे से हटाएंगे तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, 2 जगह से हटाना पड़ेगा, अगर हम ऊपर से हटाए तो केवल यहाँ पर ही अंक है जो 3 है, केवल 3 को ही हटाना पड़ेगा, इसलिए हम कुछ ऐसा ही कमाल करेंगे। अगर यहाँ पर जेड है तो जेड बट्टा 1 कर देते हैं, नीचे में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में, तो ये कैसा बन जाएगा, आप कहेंगे 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, 3 से यहाँ भी, और 1 में भी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो सभी में हो रहा है और इक्वल टू लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं है पढ़ने वाला। अब यहाँ पर देखिए x बट्टे 15, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, ये बचा क्या y बट्टे 2, ये क्या हो जाएगा z बट्टे 3। अब बताइए x अनुपात चाहिए y अनुपात चाहिए z, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 15 y का वैल्यू 2, तो 15:2 यहाँ आ जाएगा 3z के लिए। कितना सिंपल है, अगर आप इसे आप दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो भी बनेगा, कैसे बनेगा, सभी को आप k के बराबर मान लीजिए, x का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो आप कहेंगे 5k हो जाएगा, y का वैल्यू निकालिएगा तो आप कहेंगे 2k/3 हो जाएगा, इसी तरह से z का वैल्यू निकालिएगा, उसके बाद इसका वैल्यू उसमें, उसका वैल्यू उसमें रख करके, या नहीं तो आप ऐसा कीजिएगा तब जो है x अनुपात y अनुपात z निकालेगा तो k सब का कट जाएगा, तो भी आपको ऊपर में जो है ये फ्रैक्शन में आएगा, इसका भी क्या जुगाड़ है वो भी हम आगे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में एक और देते हैं 12वां, जिससे कि आपका हर डाउट क्लियर हो जाए, ठीक ना। 12वां कुछ प्रश्न जो है आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, जिसको हमने नोट करके रखा है, वो है 3x/5 इक्वल टू 2y/7 इक्वल टू z/3। अगर आपसे इस तरह से पूछ दे, यहाँ पर एक अंक था ऊपर में, अब यहाँ पर 2 अंक ऊपर में, 3 अंक नीचे में है, अब यहाँ पर x अनुपात y अनुपात z कैसे निकलेगा, यहाँ भी हम वही कमाल करेंगे जो हमारे लिए आसान होगा। अगर हम नीचे से हटाएं सबको तो 3 जगह से हटाना पड़ेगा, अगर ऊपर से हटाए तो 2 जगह ही हटाना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3×2 6 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 भी कट जाएगा 2 भी कट जाएगा। यहाँ पर हम उल्टा करते हैं, एक और प्रोसेस अपना लेते हैं जिससे कि आपको बाद में समझने में और भी आसानी हो जाए। हम सबको इस बार नीचे से ही हटाते हैं, नीचे से हटाने के लिए क्या करेंगे,
5 * 3 = 15 सतह 105 से क्या करेंगे, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। हम आपको समझाने के लिए 105 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो हमको ये जरूरी नहीं कि कपार फोड़ना इस पहाड़ में। हम क्या करेंगे, 3 * 2 = 6 से नीचे में मल्टीप्लाई करके काम खत्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 * x ऐसा कर सकते हैं, 3x * 105 बट्टा हो जाएगा 5 = 2/7y गुने हो जाएगा 105 = 105/3। अब इसको अगर हम करें सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा, कितने बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा। 7 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 3 * 3 = 9, 3 * 5 = 15 बार में कटेगा। अब आप देख पा रहे हैं 3 * 21 कितना हो जाएगा, 63x हो जाएगा = 15 * 2 कितना हो जाएगा, 30y हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जेड छूट गया है, ये कितना हो जाएगा, 35z हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब आपको जो है इस तरीका से बनाने में देखिए कितना लॉन्ग जा रहा है वो देखिए आप। अब x का वैल्यू चाहिए तो x को ढकेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए यहाँ पर एक्स वाई जेड रख लेते हैं, लंबा जा रहा है, लंबा जाएगा ही क्योंकि हम लंबा प्रोसेस ही अपनाए हैं। अब देखिए y का अनुपात निकालना है तो y वाला को ढकेंगे, 35 * 63 हो जाएगा, 35 * 63 हो जाएगा अनुपात। अगर z वाला वैल्यू निकालेंगे तो इसको ढकेंगे तो 63 * 30 हो जाएगा, 63 * 30 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, तो सबसे पहले तो 5 से काटेंगे इसको, या कह सकते हैं 25 से काटेंगे, 25 से तो कटेगा नहीं। अब इसको काटिए, जो जो कट रहा है 5 * 6 = 30, 35 रहने देते हैं अनुपात, 5 * 7 = 35, 63 रहने दीजिए, 5 से यहाँ भी काटेगा तो 63 * 5 * 6 = 30 इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7 से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 7 * 5 = 35, 7 * 63, 7 * 63। अब देखेंगे आप 3 से कट रहा है, 3 * 2 = 6, 3 * 3 = 9, 3 * 3 = 9। अब यहाँ पर कितना आ गया, 10 * 3 = 21 ये कितना आ जाएगा, 6 * 3 = 18 आ चुका है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, देखिए कितना लंबा गया है। अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है 6 से नीचे में मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, 6 यहाँ मल्टीप्लाई 6 यहाँ मल्टीप्लाई 6 यहाँ मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 से कट जाता 2 बार में, 2 से कट जाता 3 बार में, तो क्या होता 10, x का अनुपात 10 आया है, y का अनुपात कितना आता 21, जो यहाँ पर देखिए 21 आया है, z का अनुपात 18, देखिए 18 आया है। तो इसलिए आपको बताए जहाँ आसान लगे, जिसको हटाना आसान लगे उसको हटा दीजिए, चाहे नीचे हटे तो नीचे, ऊपर हटे तो ऊपर। तो इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो है एक दो प्रश्न को और जो है हम लोग रिवाइज करते हैं, पहले हम बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए आप कि इसमें x अनुपात y अनुपात z निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये सब सीखना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है और इसे हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीका से सीखेंगे, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, प्रेशर को अब बाय बाय बोल दीजिए। अब यहाँ पर हम आपको क्या बताएं, अगर ऊपर हटाना आसान है तो ऊपर हटा दीजिए, नीचे हटाना आसान है तो नीचे हटा दीजिए। हमको यहाँ पर क्या आसान लग रहा है, 7 * 5 = 35 दिया, करेंगे तो बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, 105 चले जाएंगे, इसलिए हम करेंगे क्या, 4 * 12 * 2 = 24, तो इस ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे, तो 4, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 से हम क्या करेंगे, नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई, 3 * 12 = 4 * 12 और 2 * 6 = 12। अब आप क्या देख पा रहे हैं, x * 7 * 4 = 28 y * क्या हो रहा है, 5 * 3 = 15 यहाँ पर क्या हो रहा है, z * 3 * 6 कहने का मतलब ये हो जाएगा 18, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो x के बट्टा में है वही x का रेशियो होगा, y के जो बट्टा में है यही इसका रेशियो और यही इसका रेशियो। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस हो जाए तो आप उसे खुद से सुधार कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर गलत नहीं है। एक्स वाई जेड निकालिए, 28, 15 और 18। कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो ऐसे छोड़ दीजिए। आगे है आपका, एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्स अनुपात वाय आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि 1/3 है, कितना है 1/3 है, अनुपात 2/5 है। तो बताइए एक्स अनुपात वाय कितना है। तो भाई ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है, ठीक ना। क्या करेंगे आप कि ऊपर से 2 हटा देने के लिए क्या करेंगे, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई। आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि 1/6 अनुपात 2 से 2 कैंसिल, 1/5 इस तरह से आ रहा है। ये क्या है, एक्स अनुपात वाय है, ये भी अनुपात में है, ये भी अनुपात में है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1/6 यहाँ, 1/5 यहाँ। अगर आप कहेंगे फिर से अगर नीचे से हटाना हो तब तो सीधा सीधा हमको ये मिल जाएगा, या नहीं तो 5 को यहाँ ले आइए, 6 को यहाँ ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो सिंपल हम आपको जो है समझाने के लिए कर देते हैं, क्या ऊपर में 30 से मल्टीप्लाई, अब इस दोनों के एलसीएम से। तब आप कहेंगे 6×5=30, 5 बार में कटेगा, 5×6=30, 6 बार में कटेगा। तो जैसा आप समझना चाहे वैसा आप कर सकते हैं इसको, ठीक ना। अगर हम यहीं पर जो है अगर 3 और 5 को हटाते तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते, तो उस प्रोसेस से भी बना सकते हैं आपको जो अच्छा लगे। लास्ट जो है इसमें एक और देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस के रूप में, आप नोट जरूर करते चलिएगा। यहाँ पर दिया गया है x अनुपात y अनुपात z का जो वैल्यू है 3/5, 1/10 और 3/2 है। यहाँ पर आप कमेंट करके बताइए कि x अनुपात y अनुपात z कितना होगा। ये आपके लिए होमवर्क के रूप में रहा, ठीक ना, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में रहा, कमेंट करके बताइएगा। अब इसमें जो है हम लोग अलग से 2-4 पॉइंट को सीख लेते हैं। आप सभी को यदि हम कहें कि ए जो है बी का 2 गुना है, इस टाइप का पॉइंट हम लोग जो है सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका मतलब कौन 2 गुना है, तो आप लिखेंगे ए अनुपात बी, जिसका कहेगा उसको 1 मानिए और इसको 2 मानिए। तो इसका मतलब ए 2 है तो बी 1 है। कभी कम लोग कभी जो है हम लोग इसी में उलझ जाते हैं कि भाई इसको हम 2 गुना करें कि इसको हम 2 गुना करें, और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर जिसका कहेगा ना उसमें क्या करना है, 2 गुना कहे तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 गुना कहे तो 3 से मल्टीप्लाई। इस तरह से आप लोग थोड़ा बहुत अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, और जितना भी अभी पॉइंट बताए हैं इसको तो आप लोग जो है ब्रह्मास्त्र की तरह जो है रट जाइए, कहेंगे तो इसको जो है आप 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए इसमें जो है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं, मीन प्रोपोर्शन जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ये होता है मध्यानुपात या मध्य अनुपात, ठीक। इसका मतलब ये हुआ मध्यानुपात, यदि आपसे ये कहे कि ए और बी 2 संख्या है तो इसका मध्यानुपात क्या होगा, ठीक ना। 2 संख्या है मतलब ए है और दूसरा बी है, इसका मध्यानुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं मध्यानुपात एक्स है, तो इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, तब हम कैसे लिखेंगे, ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी लिखेंगे, इस तरह से लिखा जाता है। तब जो है एक्स जो है मेरा मध्यानुपात हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, बीच को बीच वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
और लास्ट को लास्ट वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए गुने बी हो जाएगा। अब हमको चाहिए माध्यानुपात। माध्यानुपात हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं ना, तो बताइए अब एक्स का वैल्यू क्या होगा। आप कहेंगे रूट ए बी होगा, तो याद रखिए माध्यानुपात जो होता है वो रूट ए बी होता है। कहने का मतलब जिन दो संख्या का माध्यानुपात निकालना हो उसका मल्टीप्लीकेशन का वर्गमूल ले लेंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट, आपको पूछा जा सकता है थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। कहने का मतलब दो संख्या है उसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, तब आप क्या कहेंगे। जैसे कि ए बी और ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो आप क्या करेंगे, ए अनुपात बी ले लेंगे, समानुपात बी अनुपात सी ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हुआ। क्या हुआ, सी जो है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए गुना बी, ओ सॉरी ए गुना सी। तो यहाँ पर ए गुना सी कीजिएगा और हमको सी चाहिए, तो ए जो है गुना है सी के साथ, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कहेंगे बी स्क्वायर बटा ए जो हो जाएगा तृतीय अनुपात हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है आपसे एक पॉइंट और पूछा जा सकता है, वो है तीसरा पॉइंट क्या है, जान लीजिए, इसको आप नोट करते चलिए। मिक्स्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिक्स्ड या कंपाउंड प्रोपोर्शनल इस तरह से पूछा जा सकता है। मिश्रानुपात या जटिल अनुपात, क्या कहेंगे, मिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक ना, या फिर इसी को कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं मिश्रानुपात या जटिल अनुपात, जटिला अनुपात या जटिल अनुपात, कुछ इस तरह से जो है। अब इसमें होता क्या है, एक से अधिक अनुपात रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए अनुपात बी कोमा बी अनुपात सी कोमा, या नहीं तो इस तरह से सी अनुपात डी कोमा ई अनुपात एफ है, तो पूछा जाएगा आपसे इसका मिश्रा अनुपात क्या होगा। तो समझ जाइए कि मिश्रा अनुपात जब भी आपसे पूछे एमपी, तो ए पहली संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए ए गुने सी गुने ई, इसके साथ अनुपात क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। कहने का मतलब बी डी एफ, यही आपका हो गया मिश्रा अनुपात या कहे तो जटिला अनुपात। सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए और 10 बार इसे प्रैक्टिस जो है जरूर कर लीजिएगा, है ना। आगे एक पॉइंट और लिख लेते हैं, चौथा। यहां पर जो है जो हम आपको बताए थे प्रथम में, विधता अनुपात क्या है, आपको आरएस अग्रवाल में ये सवाल देखने को मिल जाएगा। आपको ये नहीं कहेगा कि ये जो है रेगुलर में है या फिर कंटिन्यू रेशियो में है, ये नहीं कहेगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है इफ ए बी सी, और यहाँ पर इतना ही, ए बी सी इज कंटिन्यू रेशियो, कंटिन्यू रेशियो में है या, ठीक ना, इस कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब ये हो गया कि वित्तानुपात में है, तो आपसे कहा जाएगा कि भाई वित्तानुपात का वैल्यू होगा क्या, ठीक ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा इस कंडीशन में होता क्या है, हाँ हो जाएगा ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, समझना है। अब यहाँ पर आप एक बात और सोच रहे होंगे कि भाई ये तो हम माध्यानुपात के समय करते थे, तो भाई वही है वित्तानुपात कहिए, या फिर यहाँ पर आप इसे माध्यानुपात भी कह दीजिए, जिससे कि समझने में और भी आसानी हो जाए।
तो इस तरह से जब भी मध्यानुपात या वित्तानुपात की बात करें तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि हमको मिडिल वाला या दूसरी संख्या निकालनी है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं, कहा जा रहा है कि 4x तथा 9 क्या है, वित्तानुपात में है, यही कहा गया है, है तो x का मान निकालें, कुछ इस तरह से जो है पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, तब आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4x तथा 9 वित्तानुपात में है तो x का मान क्या होगा, इसका मतलब समझ जाइए कि मध्यानुपात में है। अब मध्यानुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप कहेंगे 4 अनुपात b निकालना है तो b यहाँ पर लिए, a अनुपात b, समानुपात b अनुपात c, उसी तरह से 4 अनुपात x समानुपात x अनुपात 9, इस तरह से लेंगे आप। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करेंगे, x का एक्स स्क्वायर करेंगे, बराबर कितने हो जाएंगे 4 × 9 = 36। अब यहाँ पर आपको x चाहिए तो क्या कीजिएगा, दूसरे स्क्वायर को दूसरे साइड भेजिएगा तो 36 का वर्गमूल आपसे आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। तो इस तरह से जो है कह सकते हैं कि प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है। अब थोड़ा बहुत एक और पॉइंट बच गया है इसमें, उसको भी शामिल कर ही लेते हैं, वो क्यों छूटेगा, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए यहाँ पर जो है जो भी बचा हुआ है इसको हम लोग जान लेते हैं। इतना को आप सभी 10 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो वही बात होगा, याद रखिएगा तो याद रहेगा, नहीं रखिएगा तो वो भी चला जाएगा। यहाँ पर जो है बहुत बार पूछा जाता है कि a अनुपात b अगर 1:2 हो और b अनुपात c 2:3 हो तो आपको बताना है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अभी हम सिंपल एग्जांपल लिए हैं, a अनुपात b 1:2, b अनुपात c 2:3 है तो a b c क्या होगा अनुपात में। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, फर्स्ट रूल में अगर यहाँ पर b और b कॉमन है, पहले कॉमन को ढूंढेंगे, तो हमको पता चला कि b यहाँ भी है यहाँ भी है, अगर ये दोनों जगह मजे मार रहा है तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू कॉमन है या नहीं है, मतलब समान है या नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहे हैं कि ऑलरेडी समान है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी b है यहाँ भी b है, इसका मतलब हुआ 1 का अनुपात क्या हो जाएगा 1, b का अनुपात क्या हो जाएगा 2 और c का अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगर आपको ऐसा पूछ दिया जाए a अनुपात b जो है 1:2 है, b अनुपात c जो है 1:2 है, तब आपसे पूछा जाए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तब आप क्या करेंगे। देखिए इस कंडीशन में भी वही करेंगे, जो ये कॉमन है इसको ढूंढेंगे, तो पता चला कि b यहाँ भी है यहाँ भी है, भाई जब b 2 जगह कॉमन है तो यहाँ पर भी वैल्यू समान होना चाहिए, लेकिन समान नहीं है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है। हम करेंगे क्या, जो बड़ी राशि है इस 2 को यहाँ पर भी बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4। अब जो रेशियो आ रहा है a का आ रहा है 1, b का आ रहा है 2, यहाँ भी 2 तो यहाँ पर भी 2, c का आ रहा है 4 तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4। इसको समझ गए, जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, समान करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 है तो इसको 1 बना देंगे, ऐसा कीजिएगा तब और लफड़ा में पड़ जाइएगा, यहाँ 1 है और ये 2 है तो ये ज़्यादा है, इसी को सोचेंगे कि हम 2 क्यों ना बना दें, ठीक ना, या इन दोनों का एलसीएम जो होगा वही बनेगा। आगे देख लेते हैं इस टाइप के प्रश्न को जहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, 1:2 जो है 1:2 है, और सॉरी ए बी कितना है 1:2, बी अनुपात सी जो है 3:4 है, अब बताइए ए बी सी कितना होगा, आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, ध्यान दीजिए,
बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, जब कॉमन है तो यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, दोनों समान होना चाहिए, वो तो है नहीं, इसलिए क्या करेंगे, दो को न तीन बनाएंगे न तीन को दो बनाएंगे, तब बनाएंगे क्या, इन दोनों का जो एलसीएम होगा सिक्स, अब सिक्स बनाएंगे यहाँ पर भी, सिक्स बनाएंगे यहाँ पर भी, तो बताइए सिक्स बनाने के लिए दो में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना यहाँ पर छः होगा, तो यहाँ भी तीन से मल्टीप्लाई और यहाँ पर छः आ गया। अब यहाँ पर जो है छः बनाने के लिए क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये कैंसिल, नया अनुपात छः आ जाएगा और चार दूनी आठ आ जाएगा, ठीक। अब आप देखिए ये कॉमन था तो यहाँ भी समान हो चुका है, इसका मतलब है ए का अनुपात कितना हो जाएगा तीन, बी का अनुपात छः और सी का अनुपात आठ हो जाएगा, यही आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। इसको हम दूसरा प्रोसेस से भी सीखेंगे, पहले आप इसे जान लीजिए। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि दो फैक्टर था ए बी और बी सी, अगर यहाँ पर सी डी भी दे दिया जाए तब क्या करेंगे, तब भी देखिए यही करेंगे। अब क्या कर लेते हैं, ए अनुपात बी एक अनुपात दो लेते हैं, बी अनुपात सी दो अनुपात तीन लेते हैं, और सी अनुपात डी जो है तीन अनुपात चार लेते हैं। अब बताना है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले कि यहाँ भी बी कॉमन है, यहाँ भी बी कॉमन है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, इसका मतलब बी का वैल्यू दो होगा। अब यहाँ पर कहेगा कि सी कॉमन है और सी कॉमन है इस दोनों में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, इसका मतलब ए का वैल्यू ए, बी का दो, तीन का सी, और सी का तीन और डी का चार हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आसान था, तो आप बना दिए। अब आगे आप देखते चलिए कैसे बनाते हैं, एक अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार, ठीक है। आगे हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ए अनुपात बी जो है एक अनुपात दो है, लेकिन बी अनुपात सी जो है यह भी एक अनुपात दो है, और सी अनुपात डी जो है यह भी एक अनुपात दो है। अब बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, अब तो आप फंस गए हैं। अब इसको बताइए जरा कि होगा क्या, अब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग सीख रहे हैं, ठीक ना, आगे भी सीखेंगे। अब बताइए ये क्या होगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले आप ए बी सी निकालेंगे, क्या करेंगे ए बी सी निकालेंगे, उसके बाद जो है सी को सी से कंपेयर करेंगे, पहले आप बी को बी से कंपेयर कीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बी कॉमन है, तो यहाँ पर भी यहाँ दो है तो यहाँ पर भी दो होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे दो कर देंगे, इसको चार कर देंगे, ये ख़त्म। अब यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, तब क्या कीजिएगा, जब सी है तो यहाँ पर एक है तो इसको चार, यहाँ पर चार है तो इसको भी क्या करेंगे चार बनाएंगे, तो चार और ये हो जाएगा आठ। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ रहा है, ए का वैल्यू एक, बी का वैल्यू दो, सी का वैल्यू चार और डी का वैल्यू आठ आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल था, एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए कि ए अनुपात बी जो है एक अनुपात दो है, बी अनुपात सी जो है ये दिया हुआ है कि तीन अनुपात दो है, सी अनुपात डी जो है ये दिया हुआ है एक अनुपात नहीं, इसको कर देते हैं दो अनुपात एक है। अब बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे इस प्रोसेस से बनाना है तो बी और बी कॉमन है, तो सबसे पहले ए बी सी निकालेंगे, उसके बाद सी डी से कंपेयर करेंगे। तो ए बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो है यहाँ पर तीन है, ना दो को तीन बनाएंगे ना ही तीन को दो बनाएंगे, तो करेंगे क्या, इसका एलसीएम बनाएंगे, तो एलसीएम होगा छः, तो छः लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तीन से मल्टीप्लाई, तो तीन यहाँ भी हो जाएगा छः यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ छः लाना है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो छः और दो दूनी चार हो जाएगा। अब बताइए ए का वैल्यू तीन, बी का वैल्यू छः, बी का वैल्यू छः, सी का वैल्यू चार आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर भी सी कॉमन है, यहाँ पर भी सी कॉमन है, जब सी कॉमन मिल रहा है तो तुम्हारा अंक भी तो मिलना चाहिए ना,
लेकिन नहीं मिल रहा है। सेम विद्यार्थी है, अलग अलग रिजल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर भी सेम रिजल्ट करेंगे। चार है तो यहाँ पर चार लाने के लिए दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी दो हो जाएगा। अब बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा? तो आप कहेंगे ए का वैल्यू तीन होगा, बी का वैल्यू छः होगा, सी का वैल्यू चार होगा और डी का वैल्यू दो होगा। कट रहा है तो काटिए, कटेगा तो नहीं क्योंकि पहले ही हम उतना ही दिए हैं जितना हमको चाहिए था, तो ज़्यादा तो होगा नहीं। तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका जो है एक और प्रोसेस है जो हम लोग नॉर्मल में यूज करते हैं, अब उसको सीख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं ए अनुपात बी का वैल्यू एक अनुपात दो है और दिया हुआ है बी अनुपात सी का वैल्यू तीन अनुपात चार है, तो ए बी सी निकालिए, ठीक ना। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी है, इस तरह से लिखेंगे, ए के सामने एक लिखेंगे, बी के सामने दो लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए बी सी यहाँ है तो इस अनुपात को यहाँ पर लिखेंगे तीन अनुपात चार। अब आप देख रहे हैं ए बी सी आ चुका है तो ए निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तीन आ जाएगा, बी निकालने के लिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा तीन दूने छः आ जाएगा, सी निकालना है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो चार दूने आठ हो जाएगा। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इस पर आप ढेर सारा एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं जब ए बी बी सी और सी डी दिया हो तब इस तरीके से कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इस तरह से आपको लिखना है। ए बी कितना है, एक अनुपात दो था दिया हुआ, बी सी कितना था तीन अनुपात दो था, तो बी के सामने तीन लिखेंगे और सी के सामने दो लिखेंगे, ठीक है। सी डी कितना था, दो अनुपात एक था, तो अब इसके नीचे भी लिखेंगे दो अनुपात एक, इस तरह से सजा करके ए के सामने बी के सामने सी के सामने और डी के सामने। अब जो वैल्यू आएगा सामने सामने वो ए बी सी डी ही आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि एक गुना तीन तीन, तीन दूनी छः, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा छः आ जाएगा। अब बी निकालना हो तो तीन दूना छः, छः दूनी बारह। सी निकालना हो तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ। तरीका देखिए किस तरह से घूम रहे हैं। डी निकालना हो तो दो गुना दो चार, चार इकाई चार। अब यहां पर देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, दो से कटेगा सब, तीन दूनी छ, यहां पर हो जाएगा छ, यहां पर हो जाएगा चार, यहाँ पर हो जाएगा दो आ चुका है। अब देखिए तीन छः चार दो, तीन छः चार दो आया था पहले भी और अभी भी आया है। अब आपको जो आसान लगे वो काम कीजिए, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। कैसे, ए निकालना हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका ए निकल जाएगा। बी निकालना हो तो पहले ऊपर से नीचे यहाँ आइए उसके बाद यहाँ आइए तो ये बी निकल जाएगा। सी निकालना हो तो सी के लिए यहाँ से यहाँ आइए उसके बाद यहाँ से यहाँ आइए, ये सी निकल जाएगा। डी निकालना हो तो यहाँ से यहाँ आइए, ये हो जाएगा डी, फिर यहाँ से यहाँ आइए, ये हो जाएगा डी। अब इस रास्ता को आप अपना लीजिए, इसी तरह से ए बी सी डी एफ जी तक भी निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा है जाएगा लेकिन उतना आपसे पूछेगा नहीं, बस सिंपल में ही पूछा जाता है। ऐसा मत सोचिए कि ये सब पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है। आप देखिए एक बार जो है क्वेश्चन बैंक पलट करके, रेलवे में तो भंडार लगा दिया है इस तरह का क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल के वीडियो से आप सभी का जो है कह सकते हैं इस पर आधारित प्रश्न और कुछ एडवांस प्रश्न भी देखेंगे जो आपके लिए यूजफुल होगा, केवल उसको लेकर के चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप देखे हैं तो नोट्स जरूर बना लीजिएगा, साथ ही साथ 10 बार प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपके दिल और दिमाग में इस तरह से बैठ जाए कि निकालने पर भी न निकले। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।